अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं जरा सा भी मूव नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आपने धीरे 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 अपने हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करो। धन्यवाद माता रानी। आप लोग उससे बात करते रहिए, इससे वो घबरा नहीं। देखो मिस्टर, तुम ठीक हो ना? दूसरी हाथ ट्राई करो। देखो बेटा, बेटा देखो, ट्राई तो करना पड़ेगा ना, कोशिश करो हाथ उठाने की। बेटा बस थोड़ी सी चाची, दिव्यासा भी बहुत डरी हुई है और थोड़ी कमजोरी भी लग रही है शायद उसे, इसलिए अगर इस वक्त हमें उससे कुछ भी कहा ना तो वो नहीं कर पाएगी। तो हम क्या करेंगे? कोशिश तो करनी पड़ेगी ना अनमोल, उसे बाहर तो निकालना पड़ेगा ना। देखो मेरी बेटी जब तक मेरी आंखों के सामने नहीं आ जाती, मेरी सांसें अटकी रहेंगी। मुझे कुछ करना होगा उसे निकालने के लिए। देवो बेटा देखो, हम सब हैं यहाँ। और बेटा आप चिंता मत करो, आप आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, आप आपको कुछ नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए, अभी के अभी मेरी देवो को मैं बाहर निकालूंगा। ओके बेटा? क्या करूं, मेरी बच्ची इतनी बड़ी तकलीफ में फंसी हुई और मैं कुछ नहीं कर सकता। संभालो अपने आप को बेटा। दिव्यासा, आपको पता है आपके पापा ना आपको बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। आपको तो पता ही है कि आपके पापा सुपर हीरो है, तो आपको तो पता ही होगा ना कि कभी कभी सुपर हीरो को भी समय लगता है तैयार होने में, इसलिए चिंटू से इंतजार कर लो। वैसे तुम्हें पता है हमारे मास्टर जी ने ना हमें एक बड़ी प्यारी कविता सुनाई थी कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, लेकिन उसकी मेहनत हर बार बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। देवो, बाबू जब एक छोटी सी चींटी जीत सकती है तो आप क्यों नहीं जीत सकते? देवो तो कितनी बड़ी है ना, और उसके पापा वो तो उससे भी बड़े हैं, तो वो कैसे हार सकते हैं? समझी तो? देवो, बेटा पापा की बात ध्यान से सुनना। बेटा आपको पता है ना आप कितने स्ट्रांग हो, देखो आपके पापा यहाँ है इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करना और ना ही घबराना, क्योंकि आपको हम सब लोग बहुत जल्दी ही बाहर निकाल लेंगे, लेकिन तब तक आपको हिम्मत रखनी होगी।
आपको पापा ने बताया था ना कि आप उनकी स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, इसलिए मेरा बच्चा बी स्ट्रॉन्ग ना। ओके पापा। सर मुझे प्लीज बताइए कि आप लोगों का रेस्क्यू प्लान क्या है। अच्छा मामा आपको एक शेर वाली कहानी सुनाएगी जिससे आपको डर भी नहीं लगेगा और आप बोर भी नहीं होंगे। हाँ एक बार दो दोस्त घूमने निकलते हैं, फिर वो घूमते घूमते वही गुफा में आ जाते हैं। जानते हो उस गुफा में अंधेरा ही अंधेरा होता है और फिर वहां अचानक से शेर आ जाता है। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, ऐसी डरी हुई है ये गुफा और शेर सुनकर वो और डर जाएगी। कि अमूल वो मेरी बच्ची है, मुझे पता है कि उसको क्या सुनाना है क्या नहीं, कि उसकी फेवरेट स्टोरी है। और फिर दोनों एक दूसरे को आगे धकेलने लगते हैं, फिर वो शेर जोर से दहाड़ता है और फिर शेर की दहाड़ पूरी गुफा में गूंजने लगती है। कि बोरवेल के बगर में मैं एक और गड्ढा खोदना होगा और वहां से सुरंग बनाकर आपकी बेटी तक पहुंचना होगा। पर इस सब में कितना टाइम लगेगा? देखिए टाइम तो लगेगा क्योंकि हम डायरेक्ट ड्रिल मशीन अंदर नहीं डाल सकते, हाथ से खुदाई करनी पड़ेगी। तो आपका कहने का मतलब है इसमें पूरा दिन लगेगा, 24 घंटे? रजत जी पानी की समस्या भी अंदर हो सकती है, टाइम तो लगना ही है। जब तक खुदाई शुरू नहीं करें तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं, और कभी कभार मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है? अपनी बच्ची को क्या कहूं मैं? क्या उसका बचना मिट्टी पर डिपेंड करता है? कैसे निकालेंगे उसे? भाई भाई समझने की कोशिश कीजिए, इसके अलावा हमारे पास और कोई सलूशन नहीं है। प्लीज ये सही कह रहे हैं, हमने और भी वर्कर्स बुलाए हैं ताकि खुदाई जल्दी हो सके। तो कहाँ है आपके वर्कर्स? अंदर मेरी बच्ची फंसी है, छोटी सी बच्ची, कोई बड़ा मैच्योर आदमी नहीं है तो अपने आप को काम रखेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी डरी हुई है वो। मैडम एक मिनट। क्या एक मिनट? वहां दिव्या सब फंसी हुई है, आप लोग झगड़ा करने में लगे हुए हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम खुद ही गड्ढा खोद देते हैं। क्योंकि आप लोगों के झगड़ा करने से गड्ढा खुद तो नहीं खुदने वाला ना। किसी ने तो समझदारी की बात की है, और आप समय बर्बाद मत कीजिए और खुदाई शुरू कीजिए। चलिए। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।